संदीप रेड्डी बांगा ने बताया कैसे एनिमल से पहुंचे स्प्रिट तक। ओरिजिनल आइडिया के लिए ठुकराई थी प्रभास संग फिल्म। फिल्म में कबीर सिंह एनिमल की सफलता के बाद फिल्म मेकर संदीप रेड्डी वांगा अब अगली फिल्म स्प्रिट की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस फिल्म में साउथ स्टार प्रभास लीड रोल निभा रहे हैं। कबीर सिंह और एनिमल की सफलता के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने हिंदी ऑडियंस के बीच भी अपने पैर जमा लिए हैं। डायरेक्टर ने गिनी चुनी फिल्में की है लेकिन इतना नाम कमा लिया है कि बड़े डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। शाहिद कपूर और रणबीर कपूर के बाद अब संदीप रेड्डी वांगा बाहुबली प्रभास के साथ फिल्म बना रहे हैं। संदीप ने स्प्रिट फिल्म बनाने को लेकर बताया, फिल्म अर्जुन रेड्डी की जब कहानी लिखी थी तो पता नहीं था कि यह बनने वाली है, लेकिन मैं इस बात को लेकर स्पष्ट था इसे ही पहली फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैंने अर्जुन रेड्डी को करीब 1.5 साल में लिखा था। मुझे लगता है कि जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो उसमें मगन रहना ज्यादा जरूरी है। यह आपको किरदारों की गहराई में ले जाता है। उसके बाद उसकी हिंदी रीमेक फिल्म कबीर सिंह बनाई। फिर एनिमल को लिखने में भी करीब 1.5 साल का समय लग गया था। जब कबीर सिंह फिल्म कर रहा था तभी एनिमल का विचार आया था। उस दौरान प्रभास को लेकर एक फिल्म ऑफर हुई लेकिन बात नहीं बनी थी। यह एनिमल से पहले की बात है। दरअसल वह हॉलीवुड की रीमेक फिल्म थी। उन्होंने कहा कि अगर आपकी दिलचस्पी है तो बनाते हैं। मैंने कहा कि अगर कोई ओरिजिनल आइडिया आया तो मैं आपके पास आऊंगा। उसके बाद एनिमल लिखने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गया। ऐसी ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को भी सब्सक्राइब करें।